हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि बीएड वर्सेस डीएलएड का 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया, उसके बाद से बहुत सारे कंफ्यूजन थे और जिसको लेकर जो है मध्य प्रदेश सरकार और कुछ जो प्रभावित लोग हैं जो कि बीएड के ही अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा संशोधन की याचिका जो है वो दायर किया गया था, जिस पर सुनवाई भी हो गया। चलो अच्छा है, बहुत जल्दी ही सुनवाई हो गई और अब इसका एक निपटारा ही हो चुका है। अब आगे चलकर कोई भी जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जो किस रीजन के लिए किया गया था और इसमें क्या सुधार हुआ है, क्या संशोधन हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, वीडियो छोटी है बट अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि इन्होंने 11 अगस्त 2023 से पहले, क्योंकि जजमेंट आपका आया था 11 अगस्त 2023, तो 11 अगस्त 2023 के पहले, जैसे कि कुछ अभ्यर्थी कमेंट भी करते हैं कि उन्होंने बीएड किया है तो क्या वो एलिजिबल होंगे पीआरटी में। तो ये देखिए, आपको पता ही है कि ये जजमेंट ही इसलिए था कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी में जो है एलिजिबल नहीं है, वो केवल जो है आपको पता है ये 6-8 में टीजीटी पीजीटी इसमें ही अप्लाई कर सकते हैं, तो पीआरटी में केवल और केवल डीएलएड वाले ही जा सकते हैं। तो फिर ये किस चीज़ के लिए आया है, तो देखो पीआरटी में कौन वो लोग मान्य होंगे जिनकी नौकरी लग चुकी है 11 अगस्त 2023, और जब वो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, आपने देखा होगा जब बीपीएससी का हुआ चाहे केंद्रीय विद्यालय का हुआ, तो उसमें एक नोटिस लिखा था जैसे कि सीटेट में भी, कि ये जो भी आपके परीक्षाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, जो भी उसका जजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही फैसला होगा। तो ऐसे भर्तियों पे ये जो है, जहां जहां पर ये सारी चीजें थी, तो आपने देखा कि जजमेंट आया उसके बाद से उनको उनका रिजल्ट नहीं आया, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे केंद्रीय विद्यालय हो। तो कहीं ना कहीं जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इनको अपने नौकरी का जो है वो हटने का जो है काफी डर था। आपने देखा होगा चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश में हो, और कहीं और हमेशा इसमें कोई ना कोई चीजें आ ही जाती थी। तो इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो है और कुछ प्रभावित लोगों ने याचिका दायर किया था कि आप इसमें स्पष्टीकरण दे दें, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फैसला आया है वो पहले वाले पे लागू होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो 11 अगस्त 2023 के बाद की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें तो चलो बीएड 1-5 में नहीं है, बट पहले भी जिन लोगों की नौकरी लगी थी वो ज्यादा परेशान थे। तो क्या वो पीआरटी में मान्य है, तो जी हाँ, जिनकी जॉब लग चुकी है और जिनके में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि ये जो भर्ती है वो कोर्ट के अधीन होगा, उनकी नौकरी सेफ है, अब उन्हें कोई भी नहीं हटा सकता है। और ये फैसला आपको पता है, ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धोलिया, इन्हीं के पीठ में ये सारे फैसले जो हैं सुने गए और इसका फैसला भी फाइनल आ चुका है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड कुछ प्रभावित लोगों के द्वारा किया गया। तो चलो अच्छा है, एटलीस्ट जिनकी जॉब लग चुकी है उनको तो कोई नहीं हटाना चाहिए। फिर भी इस पे बहुत सारे रिट्स जो है आपको पता ही, कभी डीएलएड के साइड से, कभी किसी न किसी के जो है द्वारा हटाने के लिए जो है मांग की जाती थी। कई जगह आपने राज्यों में भी देखा होगा कि बीएड जिनकी नौकरी लग चुकी है उनको भी हटाया जा रहा है, तो इसी चीज़ को लेकर अभी क्लियर हो चुका है। बट ये उन पे ही एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, नौकरी लग चुकी है वो आराम से जॉब करेंगे, उनको कोई नहीं हटा सकता है। बट यस, 11 अगस्त 2023 से पहले जिसने बीएड किया है, अब ऐसा थोड़ी नहीं कि आपने बीएड कर लिया है, जॉब नहीं लगी है तो आप पीआरटी में मान्य होंगे, ये कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो ऐसा नहीं है। बस जिनकी नौकरी लग चुकी है बीएड वाले पीआरटी में नौकरी जॉब कर रहे हैं, उन्हें अब कोई डर नहीं है, वो अपनी नौकरी में बने रह सकते हैं आगे से। तो वैसे भी आपको पता ही है कि जब से जजमेंट आया है इसका इम्पैक्ट आपने केंद्रीय विद्यालय आपने बीपीएससी में देखा ही है, ठीक है, फॉर्म भी हो चुका था, एग्जाम भी हो गया, बट रिजल्ट नहीं आया। और एक आपको पता ही है एनआईओएस डीएलएड इनका तो डिग्री को ही जो है अब इनवैलिड कर दिया है, तो अब वो तो ज़्यादा ही परेशान है। बट इसमें अभी देखिए, इसमें कब तक जो भी रिट वगैरह अगर दायर किया जाता है, जो भी सुनवाई होगी तब इसका फैसला देखेंगे। बट फिलहाल के बीएड वर्सेस डीएलएड का कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो चुका है, अब आगे से जो भी भर्ती होंगी आपको पता ही है डीएलएड वाले पीआरटी में जा सकते हैं, बीएड वाले नहीं जा सकते हैं। बट पहले से जो लोग पीआरटी में जॉब कर रहे हैं उन्हें अब कोई किसी भी चीज़ का डर नहीं है। एक चीज़ और की जो है रिट यहाँ पर दायर किया गया था उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, आपको पता है इनकी हालत तो सबसे ज़्यादा खराब है, यूपी में वैकेंसीज नहीं होती हैं, टीचर है नहीं, शिक्षा मित्रों को जो है टीचर से ही जितना एक सहायक अध्यापक को काम करना पड़ता है उतना ही शिक्षा मित्र को, और इनकी सैलरी भी आपको पता ही है कितनी कम है। तो इनके द्वारा भी एक जो है याचिका जो है दायर किया गया था, बट इन पे कोई सुनवाई ही नहीं हुई, इनकी बात बिना सुने ही जो है जज साहब उठ गए और इनकी एक मांग थी कि हमको भी नियमित किया जाए, क्योंकि हमारी टाइमिंग भी सेम है, हमको काम भी उतना ही करना है, हमको पढ़ाना भी उतना ही है। आपको पता ही है कि एक स्कूल को एक टीचर मैनेज कर रहा है और कहीं पर टीचर ही नहीं है, तो ये सारे कौन कर रहे हैं, ये शिक्षा मित्र ही तो है, तभी तो अनुपात समानुपात का खेल चलता है। तो इसको खारिज कर दिया गया है, मतलब खारिज का इस पर सुनवाई ही नहीं हुई। और आपको भी पता है कि शिक्षा मित्र काफ़ी समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पर अभी तक कोई भी एक जस्टिस देखने को नहीं मिला है। तो चलिए, एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा बता दूं आपको। तो बस ये मत सोचना कि 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड किया है तो आप आगे चलकर जो भी नौकरियां आएंगी, जो भी जैसे कि सुपर टेट आएगा, तो 1-5 में तो नहीं, हाँ 6-8 में बीएड वाले जाएंगे और 1-5 में डीएलएड वाले।
तो चलिए इन्फॉर्मेशन निकला था, मैंने सोचा बता देते हैं, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगी। और याद रखिएगा 3 बजे BPSC तैयारी की क्लास है और 5 बजे CTET का। NCERT से ही सारे सीरीज चल रहे हैं, इसको आपको जरूर देखना है ताकि आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हों आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।